तो हे गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम्हारे डिवाइस मैटर करता है या फिर आपके स्किल्स मैटर करते हैं। तो देखो गाइस, अभी यहाँ पे फटाक से कमेंट में जाकर कुछ बंदे कमेंट करने वाले हैं कि भाई हमारे स्किल्स मैटर करते हैं, ठीक है, डिवाइस तो कुछ है ही नहीं। तो देखो गाइस, हर बंदे का अपना अलग अलग पीवी होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने फेस किया होगा डिवाइस का प्रॉब्लम, वो लोग लिखेंगे हाँ भाई डिवाइस मैटर करता है, और जिन लोगों ने फेस नहीं किया अब तक ले, वो लोग यही बोलेंगे कि हाँ भाई स्किल्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो में तुमको वही चीज़ पता चलेगा कि भाई डिवाइस मैटर करता है या स्किल्स मैटर करता है, ठीक है। और FPS के बारे में जितने भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं ना, सब कुछ तुम्हारे क्लियर हो जाएगा कि भाई तुम अपने फ्रेंड के अगेंस्ट खेलते हो जिसका गेम गन पावर सब कुछ सेम है, ठीक है, तुम्हारे जैसा ही है, और तब भी तुम उसके अगेंस्ट अगर खेलते हो तो वो भी हमेशा 2-3 पॉइंट से जीत जाता है और आप हमेशा 2-3 पॉइंट से हार जाते हो। तो इसके भी रीज़न भी तुमको बता दूंगा वीडियो में, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बाकी बढ़ते हैं अपने वीडियो में। चूंकि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा डिवाइस मैटर करता है या स्किल्स मैटर करते हैं। तो देखो वैसे अगर आप लोग कॉम्बी प्लेयर्स हो, ठीक है, या फिर आप अच्छे लॉबीज़ में खेलते हो, ठीक है, जहाँ पे अच्छे बंदे आते हैं, अच्छे डिवाइस के साथ आते हैं ना, तो वहाँ भी क्या होगा, आपके अच्छे स्किल्स हैं, मान लिया मैंने, ठीक है, आपके अच्छे स्किल्स हैं, बहुत अच्छा खेल पाते हो आप, लेकिन सामने वाले बंदे के पास जब आईफोन होगा ना, या तो अच्छा बहुत अच्छा कोई डिवाइस होगा, ठीक है, और वहाँ पे लास्ट जोन में ज़्यादा बंदे जब बचेंगे, जब भी तुम्हारे फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो यार सब तुम समझ जाओगे पूरा FPS के बारे में। ओके गाइस, तो जब तुम्हारे फ्रेम ड्रॉप्स होंगे तो फिर क्या सीन होता है ना कि भाई वहाँ पे तुम्हारे डिवाइस मैटर करने लगता है, क्योंकि भाई देखो तुम उस बंदे के अगेंस्ट कैसे जीत पाओगे, ये देखो खुद सोचो ना, कॉम्बी खेलो तुम या अभी कॉन्करर लॉबी में अच्छे लॉबी में खेलो, वहाँ पे लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे बचे हुए, ठीक है, तुम्हारा FPS आ रहा है 5, जो कि मेरे साथ हो चुका है कॉम्बी में, ठीक है, तो 5 FPS आ रहा है तुम्हारा, और तुम्हारे अगेंस्ट में जो प्लेयर है उसका 60 FPS कॉन्स्टेंट दे रहा है, ठीक है, या फिर 55 दे रहा है, तो वो क्या करेगा ना, जब आप उस बंदे को मारने की कोशिश करोगे तो भाई आपको जो डिवाइस है ना वो मैटर करेगा, आपको इतना लैग होगा पूरा गेम आपका फ्रीज हो जाएगा, ओके ब्रो। और जो सामने वाला बंदा है आपको दिखेगा भी नहीं कि उसने आपको कब मारा और कब कवर में गया, ठीक है, ऐसा सीन हो जाएगा। अब देखो ये सब क्यों होगा, ये सब तुमको वीडियो के आगे पता चल जाएगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्या होता है FPS, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग ये तो समझ गए कि भाई डिवाइस मैटर करते हैं या स्किल्स, ठीक है। और हाँ गाइस, अभी यहाँ पे आप लोग मैसेज करने वाले हो कि भाई स्किल्स भी मैटर करते हैं, तो हाँ ब्रो स्किल्स मैटर करते हैं, तुम्हारे 50% स्किल मैटर करते हैं, 50% तुम्हारा डिवाइस मैटर करता है, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है TDM का, अभी यार इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कई बार मैं कवर में मरा हूँ, ठीक है, तो इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा वीडियो में, तभी तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ के कि भाई आपके डिवाइस भी मैटर करते हैं और स्किल्स भी मैटर करते हैं। ओके गाइस, ऐसा नहीं कि भाई आप अगर डिवाइस मैटर करता है तो भाई आप डिवाइस वाले बंदों को, भाई जिसके पास डिवाइस नहीं है उसको 13 Pro Max दे दो तो वो तो भाई वो स्किल्स वाले बंदे को हरा देगा, तो ब्रो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर बंदे पे स्किल्स है और डिवाइस नहीं भी है ना, और सामने वाले पे डिवाइस है और स्किल्स नहीं है, तो बंदा स्किल्स वाला बंदा उसको ईजिली मार देगा। ओके गाइस, सो अब बढ़ते हैं अपने आगे के पॉइंट्स पे। अब देखो यार गाइस, यहाँ तक FPS सुन के आप लोगों का पूरा दिमाग ऐसे घूम गया होगा कि भाई यार FPS का ये क्या सीन है, ठीक है, कवर में कैसे मर जाता हूँ मैं, और मेरा जब मैं मेरा ट्रेसिंग भी अच्छा है, लेकिन जब मैं ट्रेस करता हूँ सामने वाले बंदे को, ठीक है, अच्छे डिवाइस वाले को, तो मैं ट्रेस क्यों नहीं कर पाता, ठीक है, तो और मेरा क्यों पेटी बच जाता, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले समझो FPS होता क्या है। तो देखो गाइस, जो FPS है ना उसका तुम्हारा जो पूरा अगर नाम बोला जाए तो वो है तुम्हारा फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, आप इसके वजह से समझ ही होगे फ्रेम पर सेकंड क्या होता है। जो देखो अपने आपको इमेजिन कर लो, तुम्हारे पास 40 FPS डिवाइस है, सामने वाले पे 60 FPS या 90 FPS है, ठीक है, तो 60 FPS इमेजिन कर लो। ओके गाइस, तो अभी देखो 40 FPS जो तुम्हारा है वहाँ पे क्या शो करेगा, तुम्हारे 40 इमेजेस एट ए टाइम शो करने के, ठीक है, और जो 60 FPS वाले होगा उसके में शो करेगा 60 इमेजेस एट ए टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या सीन होगा आपके साथ, देखो जब भी आप सामने वाले बंदे को फायर करोगे या ट्रेसिंग करोगे ना, तो वो क्या करेगा बंदा, देखो 60 FPS वाला है या 90 FPS वाला है, तो वो जब फटाफट अपना मूवमेंट देख के वहाँ से हट जाएगा, लेकिन जो आपका फ्रेम है ना, फ्रेम रेट जो आपका है वो अभी 40 FPS ही दिखाएगा, तो उसमें आपका जो वो बंदे का 90 FPS को कैच नहीं कर पाएगा। अब जैसा कि यार तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ होगा, अगर तुम TDM खेले होगे अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट जिसका डिवाइस अच्छा होगा, और या तो क्लासिक में या कॉम्बी में, तो तुमको एक चीज़ पता होगा, देखो तुम्हारा जो डिवाइस होता है तुम जब फायर करते हो सामने वाले बंदे में 40 FPS, तुम फटाक से रिफ्लेक्स दिखा के, जल्दी से रिफ्लेक्स दिखा के, ठीक है, सामने वाले को डैमेज हल्का सा ऐसे फायर दे के कवर में आ जाते हो, और उसके बाद भी आप नॉक हो जाते हो, ठीक है, आपको गोलियां लग जाती है, या नॉक नहीं भी होते तो आपको डैमेज पड़ जाता है, ठीक है, और जो सामने वाला बंदा है वो अभी कवर से बाहर भी नहीं आया है, तो देखो बस यहीं पर वही आ जाता है तुम्हारा FPS, ठीक है, क्योंकि आपका जो फ़ोन होता है वहाँ पर दिखाएगा आपको 40 इमेजेस एट ए टाइम, और जो सामने वाला है उसको दिखाएगा 60 इमेजेस एट ए टाइम। सामने वाला जो बंदा होगा वहाँ आप हट तो गए, आपके डिवाइस में आपको 40 FPS दिखा रहा है, ठीक है, 40 इमेजेस एट ए टाइम, वहाँ पे आप हट चुके हो, आपको वो पता चल गया कि मैं हट गया हूँ, लेकिन जो सामने वाले बंदे के डिवाइस में आप अभी नहीं हटे हो ब्रो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 60 इमेजेस एट ए टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा जो अभी भी छोटा सा जो हल्का सा दिख रहे हो ना, तुम उसके डिवाइस में अभी भी दिख रहे हो, तो वो गोली वहाँ पे मारेगा और वो तुमको लगेगा जरूर। तो यही सब चीज़ होता है जिसके कारण देखो तुम ट्रेसिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि भाई देखो ट्रेसिंग में क्या सीन होता है ना, कि जब तुम ट्रेस करने की कोशिश करते हो तो
90 FPS वाला, 60 FPS वाला, वो फटाफट ट्रेस करता है, ठीक है। और जब मतलब ये समझो कि 90 FPS वाला बंदा जहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक है, वो चीज़ तुमको थोड़ी लेट में दिखाएगा तुम्हारा 40 इमेज, ठीक है, 40 इमेज एट ए टाइम, वो जो जब एक साथ होगा वो तुमको थोड़ा लेट में दिखाएगा, जिसके कारण तुम्हारा जो पेटी बन जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई वो बंदा मैं ट्रेस नहीं कर पाया, मेरा पेटी कैसे बन गया, ठीक है। तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारा गेम ख़राब है, लेकिन ब्रो गेम ख़राब नहीं होता अगर तुम प्रैक्टिस करते हो रोज़ 1-2 घंटे ट्रेनिंग ग्राउंड में, ठीक है, और क्लासिक में अच्छा खेल पाते हो। लेकिन TDM में सामने अगर कोई अच्छा बंदा आ जाता है, अच्छे डिवाइस वाला, तो उसको नहीं मार पाते, तो ऐसा बात नहीं है कि आपका डिवाइस ख़राब, एकदम गेम ख़राब है, वो तुम्हारा डिवाइस का सीन होता है, आपका डिवाइस ख़राब होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ब्रो। तो आप समझ गए होगे, 40 इमेजेस एट ए टाइम दिखाता है तो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है लोड करने में सामने वाले बंदे का, और 60 इमेजेस एट ए टाइम में उसके में आप अभी भी दिखा देते हो, और 90 इमेजेस एट ए टाइम में तो वो तो भाई एकदम ही क्लियर होता है, ठीक है। मैंने 90 FPS वाले के बंदे के अगेंस्ट खेला, ठीक है, उसके पास आई हुआ था भाई आधे मैच में, ठीक है, आधे TDM में मैं इतनी बार मरा हूँ ना उस बंदे से, ADS-Fighter में इतनी बार मरा भाई, वो बंदा कब पिक करके कब कवर में गया मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं अभी फायर कर रहा हूँ, वो गोली वहाँ से लगी मुझे, मैं मर गया, पेटी बन गया, और मैं देख रहा हूँ कि बंदा तो बाहर निकले ही नहीं है। तो ब्रो यही चीज़ है, मेरे में दिखाता है 40 इमेजेस एट ए टाइम, सामने वाले में दिखाता है 90 इमेजेस एट ए टाइम, ठीक है। तो उसके मैं अभी भी मैं दिख रहा हूँ, इसलिए वो मुझे मारता है, गोली लग जाता है। ओके गाइस, तो तुम लोग यहाँ भी ये से सब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, बाकी यार तुमको आगे बताता हूँ आगे भी अच्छे से चीज़। अब देखो गाइस, ये सब तो तुम्हारे क्लियर हो गया, अब बात करते हैं हमारे टच रिस्पॉन्स पे, ठीक है, वो भी तुम्हारे डिवाइस में मैटर करता है। तो देखो ब्रो, सामने वाले बंदा और तुम दोनों बंदे एक दूसरे को एक ही टाइम पे देखते हो, और दोनों फायर बटन पे एक ही टाइम पे क्लिक करते हो, ठीक है, देखिए फायर बटन पे दोनों एक ही टाइम पे ऐसे फेंक के मारते हो, हाथ ऐसे दबा देते हो, लेकिन क्या सीन होता है ना, आपका पेटी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका डिवाइस ख़राब है, उतना अच्छा उसमें नहीं चलता, ठीक है, उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो ख़राब है, भले आप सेम टाइम में क्लिक किए हो, ठीक है, वहाँ पर बटन दबाए हो सेम टाइम पर, लेकिन जो सामने वाला बंदा जिसका डिवाइस अच्छा होगा ना, जिसका टच रिस्पॉन्स अच्छा होगा उसके डिवाइस का, वो जैसे ही टच करेगा उस टाइम पे वो तुरंत गोलियां फेंकेगा, ठीक है, उसके बुलेट्स जो गन होंगे उसके अंदर से बुलेट्स तुरंत निकलेंगे, और जो तुम्हारे होगा ना टच रिस्पॉन्स के कारण। देखो अब यहाँ पे तुमको ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 2-3 सेकंड बाद तुम्हारी गोलियां निकलेंगी, निकलेगा गोली तुरंत दोनों का सेम टाइम भी निकलेगा, लेकिन उसके अंदर ना कुछ छोटा सा सेकंड्स के एकदम डिले होता है जो तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि भाई मैंने फायर किया था लेकिन तभी मेरा पेटी बन गया। लेकिन ब्रो या तुम ये भी बोलोगे कि भाई यार मैंने सेम टाइम पे फायर किया था तब भी मेरा पेटी बन गया, तो यार देखो यहाँ पे वही चीज़ होगा, सामने वाले बंदे का रिस्पॉन्स जो टच रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है, तुम्हारा ख़राब होता है, तो तुम्हें वो चीज़ दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा सा सेकेंड्स का ऐसे डील होता है, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो चीज़, ठीक है, उतना तुम ध्यान से देखोगे तब भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यार ऐसा होता है टच रिस्पॉन्स में, ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया, बाकी बढ़ते अपने आगे के पॉइंट्स पे। अब देखो यार, अब ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा जायरोस्कोप डिले, ठीक है। अब देखो यार, जो बंदे का ख़राब डिवाइस होता है, लो एंड डिवाइस होता है, और सामने वाले बंदे का अच्छा डिवाइस होता है ना, भले तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस जितना भी कर लो, ठीक है, तुम्हें वहाँ पर लगेगा हाँ भाई तुम्हारा जायरो सब कुछ ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा उस बारे में, लेकिन जब सामने वाले बंदे पर जब आप ट्रेस करोगे जिसका डिवाइस अच्छा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा भाई आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहे? क्योंकि आपका जायरो जो डिले है, ठीक है, जायरो आपका डिले, आपको हल्का सा आपका जायरो इधर उधर होगा और उतने में आपका पेटी बन जाएगा। तो यार इससे ना, अब देखो यार, ये जितने भी था डिवाइस मैटर या स्किल मैटर, तुम लोग समझ गए होगे जितने पॉइंट थे, मैंने क्लियर कर दिए इसमें। अब देखो बस यहाँ पे आप लोग ऐसा थोड़ा सा ऐसा सैड मत हो जाना ये सब सोच के कि भाई यार मेरे पास डिवाइस नहीं है मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो देखो ब्रो, भाई यार आपके पास डिवाइस नहीं है आप अच्छा नहीं खेल पाओगे, आप लोग फिर प्रैक्टिस छोड़ दोगे, तो नहीं ब्रो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, 50% डिवाइस मैटर करेगा, 50% तुम्हारा स्किल्स, तो तुम्हारा जो 50% स्किल्स है ना, कम से कम उसको तो आप पूरा कर लो, बाकी यार डिवाइस तो कभी यार नसीब में होगा तो वो मिल ही जाएगा, बाकी यार अगर नहीं भी है तो यार तुम लोग हार्डवर्क करो तो मिल ही जाएगा यार, कॉम्पी खेलो या कुछ से यूट्यूब पे वीडियोज वीडियो डालो वहाँ से अर्न करो या कुछ भी काम करो, डिवाइस तो यार एक दिन तुम खुद से अर्न करके ले ही सकते हो, ठीक है। और बाकी यार ऐसे मांगा मत करो यार घर में ऐसे, ठीक है, डिवाइस वाइस ठीक है, खुद से लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके ब्रो, और प्रैक्टिस करते रहो यार, तुम्हारा जो 50% स्किल्स है ना उसको तुम उस पर फोकस करो, ठीक है। तुम्हारा डिवाइस नहीं है कोई बात नहीं, उसको अवॉइड करो, 50% स्किल्स तुमको चाहिए फोड़ दो, ठीक है, पूरा कितना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि भाई जो तुम्हारा डिवाइस हो ना पागल हो जाए, कहे भाई कौन बंदा खेल रहा है मेरे डिवाइस में, ठीक है, वो खुद भूलने लगे भाई बस कर, ठीक है। तो यार देखो गाइस, डिसअपॉइंट मत होना, प्रैक्टिस करते रहो, तुमको भी एक दिन डिवाइस मिलेगा। भाई देखो मेरे पास भी डिवाइस नहीं है, तभी मैं भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, यही सोच के भाई यार कभी मिलेगा डिवाइस, यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा तो कभी डिवाइस ले लूँगा। तो चलो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार कल किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, या कुछ चीज़ समझ नहीं आया आपको तो मेरा इंस्टाग्राम है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, क्लिक करो उस पर, इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो,
तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, मैं आधे टाइम वहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ, वैसे रात के टाइम पे, तो आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके गाइस, तो बाय बाय। अरे एक मिनट गाइस, वो बताना भूल गया था तुमको। तो गाइस जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया उससे आपको ये चीज़ समझ आई होगा कि भाई आपका जो गेम है ना, जब भी आप टीडीएम करते हो या क्लासिक में करते हो, देख टीडीएम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टीडीएम में जब फाइट करते हो तो वहाँ पे आप क्यों 2-3 पॉइंट से हार जाते हो, आपको ये चीज़ समझ गया होगा। डिसअपॉइंट मत होना कभी भी अपने गेम प्ले से, ठीक है। अगर आपका गेम प्ले खराब है तो इम्प्रूव करो, बाकी अगर गेम प्ले इम्प्रूव भी हो रहा है आपका, तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन तब भी अच्छे प्लेयर आगे, अगर आप हार जा रहे हो 2-3 पॉइंट से, तो डिसअपॉइंट मत हो। यही रीज़न होगा कि भाई तुम्हारा जो जितने भी रीज़न मैंने बताया, यही सब रीज़न की वजह से 2-3 पॉइंट से हार जाते हो। बाकी यार तुम यार एक दिन उनको भी हराओगे जब तुम्हारे पास डिवाइस आएगा, बाकी बिना डिवाइस के भी हरा सकते हो। ज़्यादा हार्डवर्क करो, उनसे भी ज़्यादा हार्डवर्क करो, हरा दोगे यार। 50% स्किल्स है ना, उसको एकदम इम्प्रूव करो। तो चलो बाय बाय।